सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनादर न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, फाइनली फिर से लेकर आ चुका हूँ एक और नया धमाकेदार कैमरा जूमिंग टेस्ट, जो कि इस बार लावा अग्नि 3 स्मार्टफोन का कैमरा जूमिंग टेस्ट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस डिस में 50 मेगापिक्सल का OS ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें टेलीफोटो लेंस भी मिलता है, जो कि अप टू 30x का यहाँ पे डिजिटल सुपर जूम का भी सपोर्ट मिलता है। सो ऐसे में कैमरा जूमिंग टेस्ट करना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो चलिए दोस्तों, लावा अग्नि 3 डिवाइस का कैमरा जूमिंग टेस्ट करेंगे। देखते हैं कि कितना दूर से ऑब्जेक्ट को टारगेट करता है, कितना दूर से ऑब्जेक्ट को क्लियरली कैप्चर करता है। एंड इसके अलावा दोस्तों, मैंने सेल्फी कैमरा एंड रियर कैमरा से कुछ कैमरा सैंपल्स कैप्चर किया है। सो इंडोर प्लस आउटडोर के सारे जो कैमरा सैंपल्स है, वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यह लेटेस्ट न्यू लॉन्च डिवाइस लावा अग्नि 3 स्मार्टफोन, जिसमें फर्स्ट टाइम एवर सेगमेंट में डुअल स्क्रीन एमोलेड डिस्प्ले का फीचर मिलता है। तो चलिए एमोलेड डिस्प्ले का फीचर बाद में चेकआउट करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में करेंगे कैमरा जूमिंग टेस्ट। एंड कैमरा जूमिंग टेस्ट करने से पहले इसके कैमरा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इस डिवाइस में 50 मेगापिक्सल का OS ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल भी मिलता है। वैसे सेल्फी कैमरे के बारे में बात करेंगे तो 16 मेगापिक्सल का ये सुपर सेल्फी कैमरा भी आता है। तो चलिए दोस्तों, कैमरा जूमिंग टेस्ट को शुरुआत करेंगे। यहाँ पे सारे कैमरा सैंपल्स है, चाहे वो सेल्फी कैमरा हो या फिर रियर कैमरा हो, इंडोर प्लस आउटडोर के सारे कैमरा टेस्टिंग के सैंपल्स है। वीडियो के लास्ट में गूगल ड्राइव के जो लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो अगर आपको सारे ओरिजिनल सैंपल देखना है, सो गूगल ड्राइव लिंक को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फोन को घुमाते हैं एंड करते हैं कैमरा एप्लीकेशन को स्टार्ट। एंड यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल जूम के बारे में। तो इस डिस में 0.6 मतलब कि अल्ट्रा वाइड एंगल का भी सपोर्ट मिलता है। एंड इसके डिजिटल जूम के बारे में बात करेंगे तो मैक्स टू मैक्स 30x तक आपको यहाँ पे सुपर जूम का भी सपोर्ट मिलता है। क्योंकि इस फोन में सेगमेंट में हमको टेलीफोटो लेंस का भी सपोर्ट मिलता है, जिसके वजह से आपको 30x सुपर जूम का भी सपोर्ट मिलता है। कैमरा फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। डेडिकेटेड HDR मोड का भी सपोर्ट आता है, फ्लैश लाइट का भी सपोर्ट आता है, AI का भी सपोर्ट मिलता है। इवन अगर आपको यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करने से काफी आसानी से फिल्टर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैमरा जूमिंग टेस्ट करने के लिए मैंने जो ऑब्जेक्ट को टारगेट किया है, जो कि एक मंदिर है। एंड ये जो मंदिर है मेरे एंड से 500 मीटर्स के दूरी पे है। तो चलिए देखते हैं कि कितना क्लियरली फोटोज कैप्चर करता है, कितना क्लियर कट यहाँ पे मंदिर एंड उसका जो क्रेश है वो यहाँ पे विजिबल करता है। क्योंकि दोस्तों, बाकी भी डिवाइसेस का जो कैमरा जूमिंग टेस्ट इसी सेम लोकेशन से करते हैं। एंड बाकी फोन में जो कलर से मंदिर काफी क्लियर कट विजिबल हो गया था। तो चलिए सबसे पहले मोड के बारे में बात करेंगे, जो कि है 0.6 मोड। सो 0.6 मोड मतलब कि अल्ट्रा वाइड एंगल है। वैसे अल्ट्रा वाइड एंगल यहाँ पे सिर्फ 8 मेगापिक्सल का ही आता है। सो अल्ट्रा वाइड एंगल का भी एक फोटो कैप्चर करेंगे, देखते हैं कि कितना बेटर पिक्सलाइजेशन आपको अल्ट्रा वाइड एंगल में देखने को मिलता है। एंड इसके बाद हम यहाँ पे स्विच करेंगे 1x मोड में। सो 1x मोड जो कि रेगुलर फोटो मोड का भी एक फोटो सैंपल कैप्चर करेंगे। एंड इसके बाद अगले डिजिटल जूम के बारे में बात करेंगे, जो कि 3x मोड। तो चलिए 3x मोड जो इन सेंसर जूमिंग है उसका भी एक फोटो कैप्चर करेंगे। वैसे मंदिर एंड जो कलश है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिलता है। अगले डिजिटल जूम के बारे में बात करेंगे, जो कि है 5x डिजिटल जूम। तो चलिए 5x डिजिटल जूम में यहाँ पे जो मंदिर है, घर है, वो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए 5x मोड का भी एक फोटो कैप्चर करेंगे। एंड 5x जूम मोड के बाद अगले जूम के बारे में बात करेंगे, जो कि है 10x मोड। जनरली बाकी स्मार्टफोन में सिर्फ यहाँ पे 10x मोड का ही सपोर्ट मिलता है, बट इस डिवाइस में 30x का यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। तो चलिए 10x मोड में मैंने इसको स्विच किया है एंड 10x मोड में देख सकते हैं जो मंदिर है, घर है, वो भी यार क्लियर कट देखने को मिलता है। तो चलिए 10x मोड का भी एक फोटो कैप्चर करेंगे। एंड इसके बाद 10x मोड के बाद अगले सुपर जूम मोड के बारे में बात करेंगे, जो कि है 20x। तो चलिए हम क्या करेंगे, 20x में सुपर जूम को यहाँ पे स्विच करेंगे एंड 20x में देख सकते हैं जो मंदिर है वो भी यार काफी क्लियर कट देखने को मिलता है। उसके पीछे जो पेड़ पौधे है वो भी यार काफी क्लियर कट देखने को मिलता है। बैकग्राउंड में थोड़ा सा हल्का सा रास्टर्स एंड जो नॉइस है वो तो आपको यहाँ पे ऐड हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, जो मंदिर है, जो घर है, उसके बाद जो कलश है वो भी यार काफी क्लियर कट देखने को मिलता है। एंड इसके बाद 30x सुपर जूम मोड में यहाँ पे स्विच करेंगे एंड 30x मोड में देख सकते हैं जो मंदिर का कलश है वो भी यार काफी क्लियर कट देखने को मिलता है, जो कि यार जनरली बाकी डिवाइसेस में इसका कलश भी देखने को नहीं मिलता था। तो चलिए इसका भी एक फोटो कैप्चर करेंगे एंड सारे के सारे जो ओरिजिनल सैंपल्स है, वन बाय वन सारे के सारे ओरिजिनल सैंपल देख लेते हैं।
सो ये है अल्ट्रा वाइड एंगल का सैंपल जिसमें काफी ज्यादा वाइडर एरिया कैप्चर किया है। इसके बाद ये है रेगुलर फोटो मोड जो कि 1x मोड का सैंपल है, एंड इसके बाद ये इनसेंसर जूम जो कि 3x मोड का सैंपल है जिसमें मंदिर थोड़ा बहुत शो करता है, एंड इसके बाद ये 5x मोड का सैंपल जिसमें मंदिर एंड जो घर है वो थोड़ा बहुत क्लियर कट देखने को मिलता है, एंड इसके बाद जो 10x मोड का सैंपल देख सकते हैं जिसमें मंदिर है, घर है, उसके जो बैकग्राउंड में पेड़ पौधे हैं वो फिर काफी क्लियर कट देखने को मिलते हैं। एंड इसके बाद 20x जूम के बारे में बात करेंगे जो कि यार मंदिर काफी क्लियर कट देखने को मिलता है, जो बैकग्राउंड में पेड़ पौधे हैं वो भी काफी क्लियर कट देखने को मिलते हैं। वैसे बैकग्राउंड में थोड़े से रास्टर्स एंड जो नॉइस है वो भी ऐड हो चुका है। एंड इसके बाद लास्ट में 30x डिजिटल जूम मतलब के सुपर जूम मोड के बारे में बात करेंगे, जो मंदिर का कलश है वो भी काफी क्लियर कट देखने को मिलता है। सो लावा की तरफ से फर्स्ट टाइम एवर सेगमेंट में काफी जबरदस्त कैमरा ऑफर किया है। सो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ आपको लावा अग्नि 3 स्मार्टफोन के कैमरा जूम कैपेबिलिटी देखने को मिलती है। वैसे अगर आपको सारे के सारे ओरिजिनल सैंपल देखने हैं तो गूगल ड्राइव की जो लिंक है उसको चेकआउट करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगले मोड के बारे में, बात करेंगे जो कि अल्ट्रा HD मोड जो कि डेडिकेटेड 50 मेगापिक्सल का प्रो मोड है। एंड सबसे बेटर चीज की इस मोड में हमको 1x मोड के साथ साथ 2x मोड का भी यहाँ पे इन सेंसर जूमिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि जनरली बाकी डिवाइसेस में ऐसा सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो चलिए मैंने क्या किया, 1x मोड के साथ साथ 2x मोड में कुछ कैमरा सैंपल्स कैप्चर किया है। तो चलिए देखते हैं कि अल्ट्रा HD मोड मतलब कि 50 मेगापिक्सल मोड से कैसे पिक्सलाइजेशन की क्वालिटी देखने को मिलती है। सो ये है 50 मेगापिक्सल के 1x मोड का सैंपल, एंड इसके बाद ये है 2x मोड का सैंपल जिसमें पिक्सलाइजेशन काफी बेटर आते हैं। सेकंड सैंपल के बारे में बात करेंगे, अगेन यहाँ पे 1x मोड का सैंपल है, एंड सेकंड वन देख सकते हैं 2x मोड का सैंपल है। वैसे 2x मोड को यहाँ पे जूम करेंगे तो यहाँ पे पिक्सलाइजेशन फटते नहीं है। सो अल्ट्रा HD मोड में काफी बेटर पिक्सलाइजेशन के साथ यहाँ पे फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगले प्रोफेशनल मोड के बारे में, बात करेंगे जो कि डेडिकेटेड प्रो मोड है। एंड इस प्रो मोड के डिजिटल जूम के बारे में बात करेंगे जो कि 1x मोड से लेकर मैक्स टू मैक्स 10x तक यहाँ पे जूम कर सकते हैं। सो 30x का जो सुपर जूम का सपोर्ट है प्रो मोड में देखने को नहीं मिलेगा। एंड इस मोड में प्रोफेशनल तरीके से फोटोज कैप्चर करना है, जैसे कि DSLR जैसे फोटोज कैप्चर करना है, सो मैनुअल वैल्यूज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि वाइट बैलेंस है, IOS की वैल्यूज है, EV की वैल्यूज है, शटर स्पीड है, ऑटो फोकस है, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिल्टर्स के बारे में बात करेंगे तो डेडिकेटेड फिल्टर्स का भी सपोर्ट मिलता है। बाकी जो इम्पोर्टेंट एंड बेसिक टाइप की फीचर्स है वो भी आप इस मोड में देख सकते हैं। एंड सबसे मेन इम्पोर्टेंट फीचर जो कि रॉ मोड, वो भी इस मोड में देखने को मिलता है, क्योंकि काफी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि प्रो मोड में रॉ मोड एंड JPG मोड का सपोर्ट आता है कि नहीं आता है। तो इस ड्रेस में JPG मोड के साथ साथ रॉ मोड का भी सपोर्ट आता है। तो चलिए दोस्तों, प्रो मोड का भी कैमरा टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मोड के बारे में बात करेंगे जो कि 1x मोड। तो चलिए 1x मोड का भी एक फोटो कैप्चर करेंगे जो कि एक रेगुलर फोटो मोड है, एंड इसके बाद स्विच करेंगे 2x मोड में। सो 2x मोड में भी देख सकते हैं मंदिर तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए 2x मोड का भी एक फोटो कैप्चर करेंगे। एंड इसके बाद अगले जूम के बारे में बात करेंगे जो कि आपको डायरेक्टली 5x का यहाँ पे डिजिटल जूम का सपोर्ट मिलता है। तो चलिए 5x मोड में स्विच करेंगे एंड 5x मोड का भी एक फोटो कैप्चर करेंगे। वैसे देखा जाए तो जो मंदिर है एंड जो घर है वो थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे शो करता है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, मैनुअली जूम करेंगे 8x मोड में, एंड 8x मोड में जूम करने के बाद यहाँ पे जो घर है, मंदिर है, वो हल्का सा यहाँ पे शो करता है। तो चलिए 8x मोड का भी फोटो कैप्चर करेंगे, एंड इसके बाद हम जूम करेंगे 10x मोड। सो 10x मोड में देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रो मोड है उतना ज्यादा यहाँ पे खास क्वालिटी देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक्चुअल में हमने फोटो मोड में कैप्चर किया था, क्योंकि इस मोड में जो टेलीफोटो लेंस है वो यहाँ पे वर्क नहीं करता है। सो अगर आपको यहाँ पे जूम करके देखना है तो नॉर्मल जो फोटो मोड है उसमें से यहाँ पे जूम करके फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए प्रो मोड के सारे ओरिजिनल सैंपल देख लेते हैं। सो ये है प्रो मोड का 1x मोड का जूमिंग सैंपल, उसके बाद ये 2x मोड का जूमिंग सैंपल, एंड इसके बाद ये 5x मोड का सैंपल जिसमें मंदिर यार क्लियर कट देखने को मिल जाता है, एंड इसके बाद ये 8x मोड का सैंपल जिसमें मंदिर भी क्लियर कट देखने को मिल जाता है लेकिन थोड़ा सा नॉइस वगैरह ऐड हो चुका है, एंड उसके बाद ये 10x मोड का सैंपल जिसमें जो पिक्सल क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन हो चुकी है। चलिए दोस्तों, इसके बाद स्विच करेंगे डेडिकेटेड वीडियो मोड में, क्योंकि यार काफी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि वीडियो का जो क्वालिटी टेस्ट है मतलब की जूमिंग की पावर है वो भी शो कीजिए। सो वीडियो मोड में आएंगे, एंड वीडियो मोड में आने के बाद यहाँ पे जूम के बारे में बात करेंगे तो 1x मोड से लेकर मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ पे 10x का यहाँ पे मैक्सिमम डिजिटल जूम का सपोर्ट आता है। बाकी दोस्तों काफी सारे फिल्टर्स एंड काफी सारे आपको सिनेमेटिक फ्रेम्स का भी सपोर्ट आता है। सो फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करना है तो फिल्टर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे वीडियो रिजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो इस डिस में आपको 1080 पिक्सल एट 60 FPS एंड 30 FPS का सपोर्ट आता है, प्लस आपको 4K एट 30 FPS का भी सपोर्ट आता है। वैसे स्टेबिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो इस डिस में
आपको EIS मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाईजेशन का भी सपोर्ट आता है 1080 पिक्सल 60 FPS के साथ। तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली ओरिजिनल वीडियो सैंपल को शो करते हैं, कैसे उसकी जूमिंग क्वालिटी देखने को मिलती है एंड कैसे 4K वीडियो की क्वालिटी है सब कुछ चेकआउट करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये है 4K एट 30 FPS का सैंपल। वैसे अगर आप यहाँ पे नॉर्मली शूट करेंगे सो पिक्सल क्वालिटी काफ़ी बेटर देखने को मिलती है, जो बैकग्राउंड से जो कलर्स है काफ़ी बेटर देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों जो डायनेमिक रेंज है वो भी काफ़ी बेटर देखने को मिलती है। एंड इसके बाद अगर आप इसको जूम करेंगे जैसे कि 1x मोड, 2x मोड या फिर मैक्सिमम अगर आप यहाँ पे जूम करेंगे 4x में सो 4x तक काफ़ी बेटर आपको वीडियोग्राफी देखने को मिलती है। लेकिन उसके आगे अगर आप उसको जूम करेंगे जैसे कि 8x मोड हो या फिर 10x मोड हो सो दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो तो आपको यहाँ पे शो करता है लेकिन काफ़ी सारा नॉइस ग्रेन्स ऐड होता है, जो पिक्सल की क्वालिटी वो भी यार काफ़ी ज़्यादा डाउन होती है। सो बेटर वीडियोग्राफी के लिए आप यहाँ पे 4K वीडियोस में शूट कर सकते हैं लेकिन 1x मोड या फिर मैक्स टू मैक्स 2x मोड में जूम करके वीडियो को शूट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ऐसा कुछ आपको वीडियो क्वालिटी देखने को मिलती है लावा अग्नि 3 स्मार्टफोन की। एंड इसके बाद दोस्तों इस डिवाइस से मैंने कुछ कैमरा सैंपल्स भी कैप्चर किया है, जैसे कि सेल्फी कैमरा है, रियर कैमरा है, इंडोर प्लस आउटडोर से कैमरा फोटोज कैप्चर किया है। तो चलिए उसके भी रिजल्ट चेकआउट करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स कैमरा सैंपल्स के बारे में बात करेंगे तो जो सेल्फी कैमरा है काफ़ी ब्राइटर स्किन टोन के साथ आपको ब्राइटर फोटोज देखने को मिलते हैं, जो नेचुरल टोन है नेचुरल टोन के साथ आपको फोटोज देखने को मिलेंगे। वैसे रेयर कैमरे के बारे में बात करेंगे तो जो नॉर्मल फोटोशॉट्स है वो भी काफ़ी बेटर देखने को मिलेंगे। एंड जो पोर्ट्रेट सैंपल्स है पोर्ट्रेट सैंपल में जो डायनेमिक रेंज है वो भी काफ़ी एक्यूरेट आपको शार्प देखने को मिलती है। वैसे इंडोर सैंपल्स के बारे में बात करेंगे तो इंडोर में काफ़ी बेटर यहाँ पे फोटोज देखने को मिलते हैं, लोलाइट कंडीशन में काफ़ी बेटर फोटोग्राफ्स कैप्चर करता है। पिक्सल क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी बेटर एक्यूरेट आपको यहाँ पे पिक्सल क्वालिटी देखने को मिलती है, कहीं भी ज़्यादा डिस्टॉर्शन एंड कहीं भी ज़्यादा और शार्पनिंग का इशू देखने को नहीं मिलेगा। एंड कलर्स के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी एक्यूरेट आपको यहाँ पे कलर्स देखने को मिलते हैं, थोड़े से एनहांस टाइप के कलर देखने को मिलेंगे लेकिन कहीं भी ज़्यादा और सैचुरेटेड टोन देखने को नहीं मिलेगा। वैसे अगर आपको कैमरा सैंपल्स देखना है तो गूगल ड्राइव की लिंक को विजिट करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स ऐसे कुछ आपको लावा अग्नि 3 स्मार्टफोन की कैमरा जूम कैपेबिलिटी एंड कैमरा क्वालिटी देखने को मिलती है। वैसे आपको कैमरा क्वालिटी कैसे लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।